सिक्योर सी प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर हमने तीन स्टेटमेंट लिखे हैं, वन प्रैक्टिस टू हेल्प अवॉइड लिविंग सिस्टम ओपन टू अटैक्स, ए इज टू अवॉइड यूजिंग प्रिंटएफ विद ए सिंगल स्ट्रिंग आर्गुमेंट, दूसरा लिखा है टू डिस्प्ले स्ट्रिंग फॉलोड बाय न्यू लाइन करेक्टर यूज द पुट्स फंक्शन विच डिस्प्लेज इट्स स्ट्रिंग आर्गुमेंट फॉलोड बाय ए न्यू लाइन करेक्टर, तीसरा टू डिस्प्ले स्ट्रिंग विदाउट ए ट्रेलिंग न्यू लाइन करेक्टर यू कैन यूज प्रिंटएफ द फॉर्मेट स्ट्रिंग आर्गुमेंट परसेंटेज एस फॉलोड बाय ए सेकंड आर्गुमेंट रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रिंग टू डिस्प्ले द कन्वर्जन स्पेसिफाई परसेंटेज एस फॉर डिस्प्लेइंग ए स्ट्रिंग। इनको समझते हैं। तो इसके लिए तीन प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखे हैं, चार स्टेटमेंट यहाँ लिखे हैं। इन चारों स्टेटमेंट में पहला जो है सेंटेंस जो हमने लिखा था, वी वुड अवॉइड लॉन्ग स्ट्रिंग इन प्रिंटएफ। स्ट्रिंग किसको कहा है या करेक्टर स्ट्रिंग किसको कहा है, तो प्रिंटएफ के अंदर जो डबल कोट्स के अंदर लिखा है, जैसे हमने यहाँ लर्निंग स्पेस सी स्पेस प्रोग्रामिंग डॉट डॉट बैक स्लैश एन ये लिखा है, ये करेक्टर स्ट्रिंग है। तो हमें प्रिंटएफ स्टेटमेंट के रूप में ऐसी लंबी स्ट्रिंग लिखने से बचना चाहिए। ये ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन कई बार हम आवश्यकता अनुसार बहुत लंबी लिख लेते हैं, जो एक लाइन में नहीं आती है वो दो तीन लाइन में आती है। तो हमें इस तरह की लिखने से बचना चाहिए, इस तरह की नहीं लिखनी चाहिए, जो प्रोग्राम को अट्रैक्टिव नहीं बनाती हैं। ये छोटी लिखी हुई हों वो प्रोग्राम को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। इसको हम आगे कुछ और एग्जाम्पल्स में समझते हैं। पहले हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग लिख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है प्रिंटएफ और डबल कोट्स के अंदर लर्निंग स्पेस सी स्पेस प्रोग्रामिंग डॉट डॉट बैक स्लैश एन और सेमीकोलन। दूसरे बॉक्स में जो लिखा है वहाँ प्रिंटएफ किसी का पुट्स लिखा है। यहाँ ध्यान दें, जो कोटेशन के अंदर है वहाँ बैक स्लैश एन नहीं लिखा है। तीसरे बॉक्स में दो प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखे हैं, पहले में लर्निंग बाद में स्पेस लिखा है और दूसरे प्रिंटएफ स्टेटमेंट में सी स्पेस प्रोग्रामिंग डॉट डॉट बैक स्लैश एन लिखा है। ये तीनों बॉक्सेस सेम आउटपुट देंगे, तीनों बॉक्सेस के आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए हम तीनों को सेम सिमिलरली ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा बात आती है कि सिमिलरली ट्रीट कर सकते हैं तो तीनों में डिफरेंस क्या है। तो आउटपुट में हमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, तो पहला प्रिंट टाइप स्टेटमेंट है उसमें जैसा लिखा है वो प्रिंट करेगा और लास्ट मैंने बैक स्लैश एन लिखा है इसलिए न्यू लाइन में ले जाएगा। जो पुट्स है उसमें बैक स्लैश एन नहीं लगाते हैं तो भी वो न्यू लाइन में ले जाता है, इसलिए यदि हमें बैक स्लैश एन नहीं लगाना हो तो पुट्स फंक्शन काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा बॉक्स है उसके दोनों स्टेटमेंट्स को मैं अलग अलग बॉक्स में लिख देता हूँ। दोनों स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट को अलग बॉक्स में लिख देता हूँ, दो जगह लिख देता हूँ जिसमें सिर्फ लर्निंग लिखा हुआ था। अब यहाँ पर हम दो बॉक्सेस देख रहे हैं, पहले बॉक्स में लर्निंग लिखा है, दूसरे में दो स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं, पहले स्ट्रिंग में परसेंटेज एस और दूसरे में लर्निंग लिखा है। जैसे हम परसेंटेज डी लिखते हैं वहाँ इंटीजर आता है, वैसे ही परसेंटेज एस की जगह स्ट्रिंग आ जाती है। स्ट्रिंग मतलब करेक्टर्स का एक कलेक्शन है, तो यहाँ पर ये भी एक आइडेंटिफायर की तरह काम करता है। और मतलब यहाँ परसेंटेज एस लिखा है वहाँ एक स्ट्रिंग आएगी और यहाँ आर्ग्यूमेंट के रूप में जो डबल कोट्स में लर्निंग लिखा है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, इस तरह से हम अपनी फॉर्मेट स्ट्रिंग है उसको छोटा कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है लिखने का। यहाँ पर जैसे कमेंट लिखा है टू डिस्प्ले स्ट्रिंग विदाउट ए ट्रेलिंग न्यू लाइन करेक्टर यू कैन यूज प्रिंटएफ, तो यहाँ पर वही है कि परसेंटेज एस हम लिख कर किसी स्ट्रिंग को इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। इसके साथ ये इनिशियल स्टेटमेंट्स ख़त्म होते हैं।